चेंज कर देंगे बिजनेस रूल में, तब तक चीजें जो है ना पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट और विधानसभा में पेश नहीं होंगी जब तक उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय के बाद पहला डिग्री का जो है ना रिफाइनमेंट नहीं हो जाएगा, राइट। फिर 45 दिन का पब्लिक से डिस्कोर्स होगा, तो सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट उनके सुझाव कंसर्न चिंताओं को सम्मिलित करते हुए दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट हो जाएगा। फिर जो चंद्रगुप्त है सो कॉल्ड विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि, वो विधानसभा के अंदर नहीं, विधानसभा के बाहर 15 दिन तक चर्चा करेंगे और वो भी लाइव जो है ना टेलीकास्ट होगी, राइट। तो उनके कंसर्न बाहर हमने कैप्चर करके रिफाइन करके फिर हम पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं। आप बताओ चंद्रगुप्त बिकने के बावजूद भी क्या गड़बड़ी करने की स्थिति में है क्या? सड़े टमाटर पड़ेंगे उस पर, एक्सपोज हो जाएगा वो। आज तो यही नहीं मालूम पड़ता है कि कानून कौन बना रहा है। आप पार्लियामेंट में क्या बहस करते हो? पार्टी लाइंस पे, उसके ऊपर छिटा कसी, इसके ऊपर छिटा कसी, तू ने ये किया, इनने ये किया, और बस हाँ की जीत और ना की हार हो गई, यही करते हैं और कुछ करते हैं? डू बी डिस्कस क्लॉज वाइज, इस क्लॉज की क्यों जरूरत है, इसकी भाषा ये क्यों है, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इससे क्या लाभ, ये चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये चर्चा एक 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 एक्ट में होती है, एक एक्ट में भी नहीं होती है। तो अब आप ये बताइए कि हमारे जो सिस्टम है, यदि हमारा चंद्रगुप्त धूर्त निकल गया तो क्या वो 21 लक्ष्यों के साथ कुछ गड़बड़ी कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता है। तो फिर बताइए, आपको हर चीज की गारंटी मिल रही है, 5 पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, सिर पे ताज भी मिल रहा है, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन पा रहे हो और 21 लक्ष्य भी जमीन पर उतर जा रहे हैं, भारत का हर नागरिक समृद्ध हो जा रहा है, आप जो है अभी जो आपने अपनी फूड चेन को विषाक्त कर दिया है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से, हार्मोनल इंजेक्शन से, नकली दूध से, नकली मॉलिक्यूलर दवाइयों से, जो आपने अपने आप को कैंसर के लिए जो है ना वो कर दिया है, यदि हमने इसे ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया तो आपको मालूम है 2029 तक 66% पॉपुलेशन भारत की जो है ना कैंसर से पीड़ित होगी, 66%। जब आप खाना खाने से जो है ना आपको कैंसर होगा तो आपको कैंसर होने से कौन बचा पाएगा? आपका भोजन जो है ना कैंसर कारक हो रहा है, आपका जो कॉस्मेटिक लगा रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है, जो आप हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है, जो आप दवाई बेच रहे हो उसमें जो हानिकारक मॉलिक्यूल है उससे कैंसर हो रहा है। आप कहां भोगे? जहां पर जो है टैंकरों में जो है ना नकली दूध बन रहा है, आप कहां भागोगे? जहां पे किसान कहता है कि मैं अपने लिए 1 एकड़ में तो जो है जैविक खाद्यान्न बना लूंगा, लेकिन भाई साहब तुमको कैंसर वाला ही बेचूंगा। चलिए एक बार फिर दोबारा से लगते नहीं, नहीं, नहीं आप बताइए, मैं जो बात कर रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो आपका तो जो है ना आप कैंसर से भी बच रहे हैं, आपको जो है ना रोजगार भी मिल जा रहा है, आपको समृद्धि भी मिल जा रही है, फिर आप कितने दुष्ट हैं कि इसके बाद भी जगने के लिए तैयार नहीं है? आपकी दुष्टता की कोई सीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू फील? इसलिए जो है हम में से जो पकड़ में ना आए, देखो उससे रिश्तेदारी तो नहीं करना है, इसका मतलब है उसने एक्सपोज कर दिया है, तो फिर हमें उसे दुष्ट कहकर संबोधित करना चाहिए। तो कल यदि जो है ना यदि प्रदीप गिरी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मैथिली रणगुप्त में इतना गट्स होना चाहिए कि मैं प्रदीप गिरी से कह सकूं कि भाई साहब आप दुष्ट हैं क्या? यदि मुझ में इतना मॉरल साहस नहीं है तो मैं इस अभियान को लीड नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल, मुझे प्रदीप गिरी जैसे अच्छे व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाहिए कि तो आपका कंडक्ट जो है ना कहीं दुष्टता की रेंज में जा रहा है। बिल्कुल सर। तो यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो जरूर भला होगा। तो एक बार फिर से दोहरा ले, नंबर वन आपको अच्छे लोगों की सूची बनाना है, सूची हर दिन बनाना है, राइट? ठीक है, उसी में नाम जोड़ते जाइए और आपको उसको मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, क्लियर? ठीक है। दूसरा जो है संगठनों के नाम बनाना है, नाम लिखना है, ज्यादा मत लिखिए, 3-4 का एक दिन में पर्याप्त है, और उनको हम जो है ना पैरेलल संगठन करने का काम करना है। यदि आपको किसी से मुझसे बात कराना है तो मेरी बात करा दीजिए, हम उस संगठन को एज इट इज अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, उस संगठन का नाम एज इट इज रखते हुए फॉर क्राइम फ्री भारत करके उसी का एक पैरेलल संगठन क्रिएट करेंगे, और उसमें जो है ना एक उपाध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर रखेंगे, जो कि वीकली मिलेंगे और ये रिव्यू करेंगे, बल्कि डेली जिम्मेवारी भी बांट सकते हैं कि भैया कौन कौन लोग सो रहे हैं, शपथ लेने के बाद अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? और उनको भी बताने के वो ना हो जिस व्यक्ति ने जुड़ लिया उसने 90% काम कर दिया है, राइट? तो यदि उसने 10 लोगों को जोड़ दिया तो यू शुड फील मोर देन हैप्पी।
लेकिन जिनको जोड़े उनको भी जो है ना उसी तरीके से ऊर्जागत करके संकल्पित करके वो करें, ठीक है ना। बस ये दो काम पे ही अपन आज फोकस करते हैं, फिर कल बात करेंगे। ठीक, अब हम रोज बात किया करेंगे। ओके सर, राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।